नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आपने नर्सिंग कोर्सेज पर हमारी कई वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और बीएससी नर्सिंग पर। इस वीडियो में मैं आपको एक और नर्सिंग कोर्स की जानकारी दूंगी। इस नर्सिंग कोर्स का नाम है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी इस जॉब ओरिएंटेड नर्सिंग ट्रेनिंग कोर्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता क्या है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, देश में कौन कौन से बढ़िया नर्सिंग कॉलेजेस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है क्या। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उन कैंडिडेट्स के लिए 2 साल की डिग्री प्रोग्राम है जो नर्सिंग के फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं। नर्सेज वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो पेशेंट्स की देखभाल, उन्हें ट्रीट करने, डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट और सर्जरी में असिस्ट करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपने पास की हो सीनियर सेकेंडरी, इसके साथ ही आपने की हो GNM और आप स्टेट के साथ रजिस्टर भी होने चाहिए जो इंडिया नर्सिंग काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड हो। अब सबसे जरूरी, आप शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वही कैंडिडेट्स करें जिनका दूसरों के प्रति केयरिंग एटीट्यूड हो, और आवर्स में काम कर सके, अच्छा स्टैमिना हो, बिना ब्रेक के लंबी शिफ्ट्स में काम कर सकें और टेंशन भरी सिचुएशंस को सबर के साथ संभाल सकें। इसके अलावा कैंडिडेट्स में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉपर नॉलेज और नर्सिंग के फील्ड में हो रही डेवलपमेंट्स की अच्छी जानकारी। आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं? देश के मान्यता प्राप्त नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट्स को एडमिशन क्वालिफाइंग एग्जाम जो कि GNM नर्सिंग है की बेस पर देते हैं। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट्स सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसमें होता है एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू। योग्य कैंडिडेट्स को सीट्स इस टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मिलती है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद क्या कर सकते हैं? अगर कोई आगे पढ़ाई करना चाहता है तो वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकता है, क्योंकि ये नर्सिंग ग्रेजुएट्स के बीच सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाने वाला पीजी कोर्स में से एक है। एमएससी करने के बाद आप टीचिंग सेक्टर में एज एन एजुकेटर भी जा सकते हैं। कुछ मास्टर डिग्री कोर्स जो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हैं वो हैं एमएससी इन साइकेट्रिक नर्सिंग, एमएससी इन ओबेसिटी एंड गायनी नर्सिंग, एमएससी इन जेरोंटोलॉजिकल नर्सिंग, एमएससी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एमएससी इन एडवांस्ड मिडवाइफरी प्रैक्टिस और एमएससी इन रूरल फैमिली नर्सिंग और भी कई। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्लासरूम लेक्चर्स और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सेशंस का एक मिक्सचर होता है। नर्सिंग कोर्स INC द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया सिलेबस फॉलो करते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के करिकुलम में आप नर्सिंग फाउंडेशन, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और स्टैटिस्टिक्स इत्यादि जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफर करते हैं? टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स ऑफर करते हैं वो हैं स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज एंड रिसर्च शारदा यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी नवी मुंबई, MIT यूनिवर्सिटी गुड़गांव और इंडियन अकेडमी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बैंगलोर। और अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट और आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अंडर ग्रेजुएट लेवल के नर्सिंग कोर्सेज में बेस्ट माना जाता है, इसलिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स को उन कैंडिडेट से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिन्होंने सेम लेवल पर कोई और नर्सिंग कोर्सेज किए हैं, और उनके लिए तो बहुत स्कोप होता है जिन्होंने रेप्यूटेड नर्सिंग इंस्टीट्यूट से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हो, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स में बड़ी अच्छी जॉब पा सकते हैं।
और जिनमें एक्सेप्शनल टैलेंट है वो आर्म्ड फोर्सेस या गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली कई स्कीम्स और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में, खास कम्युनिटीज और रूरल एरियाज में भी जॉब कर सकते हैं। यही नहीं, क्वालिफाइड इंडियन नर्सेज की सर्विसेज की डिमांड USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बाद आप बन सकते हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, क्रिटिकल केयर नर्स, पैरामेडिक नर्स, नर्स मैनेजर और कम्युनिटी हेल्थ स्पेशलिस्ट। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री करने वालों की सैलरी कितनी होती है? पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करने वालों की साल की सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक होती है, जो कि निर्भर करती है उस ऑर्गेनाइजेशन पर और आपकी पोस्ट पर जिस पर आप काम कर रहे हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसी और वीडियोज लेके आए जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हर एस्पेक्ट को समझने में आपकी मदद करें। ऐसे ही वीडियोस की कभी ना खत्म होने वाली धारा को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी YouTube चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।